दोस्तों कैसे हैं। आज 6 अप्रैल 2019 है और आज सैटरडे का दिन है और दीवार हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन में एक थोड़ा सा अपसाइड दिख रहा था, जहाँ पे सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में बाइंग हो रही थी तो वहाँ यहाँ पे भी हो रहा था। इंडिया बुल्स जैसे कि लक्ष्मी विलास बैंक को ले रहा था, उसके हिसाब से चांसेस है कि और भी फाइनेंशियल कंपनी हो सकता है कि अपने टर्नओवर को देखें, ऐसी बाइंग करें। तो जो भी हो उसके चक्कर में दीवान और डीएचएफएल भी चल रहा है और अपने मेजर असिस्टेंस है 166 से ये जस्ट टच करके वहाँ से नीचे आया है और एक पॉजिटिव ट्रेंड में ही आप क्लोजिंग दिया है। नॉट जो क्लोजिंग नॉट है वो पॉजिटिव है और वॉल्यूम देखेंगे 6,55,45,000 का ह्यूज वॉल्यूम से कर रहा है वॉल्यूम, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड में 9% का गेन देकर के ये 5 तारीख को क्लोज हुआ है, 163.50 में क्लोज हुआ है। और वॉल्यूम वेटेड एवरेज देखेंगे इसका तो जहाँ इसको क्लोजिंग देनी थी 160.33 में वहाँ 163 से क्लोजिंग दिया है, दो ये 165 पे पास आया है लेकिन लो देखेंगे तो 149 है, मतलब अपर साइड में ही क्लोज दे रहा है। ये सेंटिमेंट 80% की बाइंग है और डिविडेंड यील्ड भी है, प्राइस बुक 0.60 का है, डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे 12, 14, 18, 13% 15 की ट्रेडिंग ही हो रहा है। और फाइनेंशियल आप देखेंगे तो 20% का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, डेप्ट थोड़ा सा फाइनेंशियल बैंकिंग है तो फिर भी डेप्ट कवरेज 1.25 है, ठीक ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 88% है, ये तो फाइनेंशियल हो गया। अगर इसके 5 तारीख को देखें तो 6 करोड़ जो कि एवरेज है, यहाँ पे 6 करोड़ को हुआ था 28 मार्च को हुआ था और उसके बाद देखेंगे तो 6 करोड़ सीधा आपको 5 अप्रैल को हुआ है। 6 करोड़ की जो इसकी वैल्यू थी 149.50 और आज देखेंगे तो इसकी वैल्यू उसके बाद यहाँ से कॉन्स्टेंट खड़ी रही वहीं पर और आज 163 पे वापस 6 करोड़ की वॉल्यूम हुई है। मीन्स ये एक लेवल पर हो रही है, फिर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो रही है, फिर वहाँ पर जाके फिर एक वॉल्यूम हो रही है, तो उसके बाद वहाँ पे भी 13% का डिलीवरी है, वहाँ पे भी 12% का डिलीवरी है। तो कोई ना कोई फंड ऐसा चार्ट पे लगता है कि कोई ना कोई फंड ने जा कर के इसको एक्वायर कर रही है। और आप देखेंगे तो कंटिन्यूस आप देखेंगे यहाँ पे 28 तारीख को एक बाइंग हुई थी, 28 यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हुआ था 28 मार्च को 6 करोड़ का हुआ था। तो 28 मार्च को अगर जा करके देखें हम यहाँ पे तो 28 मार्च को देखेंगे तो होगा ये 28 मार्च को देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल बनी थी, प्राइस पैटर्न से ऊपर की ओर गया था और यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड लिया था और फिर वॉल्यूम के साथ देखिए अच्छी बाइंग हुई, फिर ये वॉल्यूम के साथ यहाँ बाइंग हुई, फिर ये कैंडल देखिए और ये कैंडल, यहाँ वॉल्यूम हुआ था लेकिन यहाँ पे प्राइस नहीं मिला था, उसके बाद आपको वैल्यू नीचे की ओर गया था। यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम कम हुई थी लेकिन प्राइस बढ़ा था, यहाँ पे न्यूट्रल रहा, यहाँ प्राइस रहा, अब उसके बाद देखेंगे प्राइस फॉल का पैटर्न कम है, इंडिसिसिव कैंडल होकर बाइंग हुआ है। मीन्स एक कहीं ना कहीं यहाँ से एक अपर और की ओर जा रहा है और इसका जो एक रेसिस्टेंस था आप देखेंगे यहाँ पे रेसिस्टेंस जो था इसका अवर्ली बेसिस पे तो 166 के आसपास था इसका, ये देखिए यहाँ पे जो था पहला रेसिस्टेंस 166 पे था तो यहीं से ये फॉल किया है और इसके बाद इसका 181 और 181 क्रॉस करता है तो ये आवर्ली चार्ट है, 181 क्रॉस करता है तो 203 की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। और ये अगर आप यहाँ पे भी देखें, अगर मैं इसको ऐसे भी देखूँ तो ये 234 इसका जो है 23% रिट्रेसमेंट अपने टोटल फॉल का, तो कहीं ना कहीं ये उसको 200 की ओर जाता हुआ आपको दिखेगा। और अगर इसका मूविंग एवरेज भी देखो, इसके सारे मूविंग एवरेज को डेली बेसिस पे देखो, देखने की कोशिश करो तो 198 जो आता है इसका, ये जो 198 आ रहा है वो आ रहा है आपका 100 डेज का मूविंग एवरेज और ये ऑलरेडी 50 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये 50 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए 198 200 की ओर जाता हुआ दिख सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम है जो रेड कैंडल है वो आप देखेंगे कम है और है तो वॉल्यूम नहीं है, बट जो ग्रीन कैंडल है वो बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्विजिशन तो हो रही है इसके शेयर की वैल्यू की, 200 तक तो जाता हुआ दिख सकता है। और अगर इसी को मैं डेरिवेटिव में भी कंफर्मेशन करने के लिए कोशिश करूँ कि डेरिवेटिव में क्या पैटर्न पड़ा है, तो 25 अप्रैल को जो क्लोजिंग हुई है DHFL 165.05 पे एट द मनी 160 में देखें तो आपको दिखेगा यहाँ पे 24,000 की बाइंग हो रही है, 12,36,000 का क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, वहीं पे 160 में देखेंगे तो 2,20,000 से शॉर्ट किया जा रहा है और 6,33,000 का इसको सपोर्ट है। सपोर्ट से ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा इधर वॉल्यूम ज़्यादा है, कॉल की साइड ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। और देखेंगे 150 से अनवाइंडिंग हो रही है, अनवाइंडिंग नीचे की ओर हो रही है और ये ऊपर की ओर पोजीशन बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये, और यहाँ पे भी देखेंगे
तो 160 पे 2,20,000 का, 170 पे 1,84,000 का, 180 पे 34,500 का शॉर्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट 2,100 पे भी शॉर्ट की पोजीशन बन रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 100-200 के पोजीशन पे देखें तो 13,12,500 का एक ह्यूज रेसिस्टेंस इसको यहाँ मिलेगा और 3,81,000 का यहाँ टोटल क्यूमुलेटिव करंट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये 180 वाला इसको यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस आएगी। अगर ये क्रॉस करता है तो फिर 190 जो 8 बताया 193 वहाँ पे जाएगा और 200 की ओर जा सकता है। तो कोई भी अगर 200 के प्राइस को चेज करना चाहें जो 5.30 रुपये पे मिल रहा है, अब अगर डिटेल में देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 40% का है, लॉट साइज इसका 1500 का है और आप देखेंगे लो 3 रुपये का था, हाई 6 रुपये का बनाता है और हाई पे ही क्लोज देता है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो बाइंग 5,85,000 का है, सेल 2,28,000 है, बाइंग अभी भी DHFL में कॉल की ओर ज़्यादा शो होता है ऐसा डाटा बताता है। तो कहीं ना कहीं एक 200 का जो कॉल है, एक दिखता है 1500 का 5 रुपये के आसपास मिल रहा है, 7,500 का रिस्क है, आप उसमें कहीं ना कहीं पेपर ट्रेड कर सकते हैं। तो DHFL में शॉर्ट टर्म के लिए एक बाइंग रिकमेंडेशन हो सकती है। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड में ओपनिंग 198 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। पहला 181 क्रॉस करना चाहिए इसको, जहाँ रेसिस्टेंस है 166 पहले क्रॉस करने दिए क्योंकि यहीं से ये मुड़ा है जहाँ पे इसको रेसिस्टेंस था। स्टॉप लॉस रखना है किसी को तो 155 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, 155 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाइंग में रह सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे वापस 155 के पास एक गैप अप है, तो कहीं ना कहीं आपको 155 के आसपास एक यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के रहना चाहिए, जहाँ पे आपको यहाँ सपोर्ट भी है। तो कहीं ना कहीं आपको 155-156 का सपोर्ट लेकर के स्टॉप लॉस लगा के आपको रहना चाहिए। यहाँ से देखें तो अगर फॉल करता है तो फिर नीचे की ओर जा सकता है। तो 166 वहीं से आपको मूव किया है, शॉर्ट टर्म में ये अपसाइड ले सकता है। 155-156 का शॉर्ट टर्म में आप इसको ये कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर नीचे जाता है तो फिर कोई बात नहीं, आपका 10 रुपये का लॉस होगा इसमें और यहाँ से पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। तो DHFL एक पॉजिटिव नोट है, पॉजिटिव व्यू दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक बाइंग सेंटीमेंट है। तो DHFL में थोड़ा सा पॉजिटिव ओपिनियन रह सकते हैं, बुलिश पैटर्न इसमें है। ना तो मेरा कोई बाइंग रिकमेंडेशन है ना तो कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। आप पोजीशन बनाने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।